आफ्टरनून, क्योंकि मैंने गुड आफ्टरनून से ही शुरुआत की है और अभी बज चुके हैं 2:30। तो राज के लिए बर्थडे, राज का बर्थडे है इस वजह से उसके लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग की है हमने, तो वो शॉपिंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ये कपड़े लाए हैं हमने राज के लिए, क्योंकि आज उसका बर्थडे है तो रात में सेलिब्रेट करने वाले हैं बर्थडे, तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आया है ये। तो आपको दिखाती हूँ, ब्लैक पैंट और वाइट का कॉम्बिनेशन है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये है शर्ट, बहुत ही अच्छा वाला शर्ट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और ये राज के पापा की चॉइस है, राज की पापा की चॉइस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत पसंद है। और मेरे लिए भी साड़ियाँ, बैंगल्स वगैरह वही चूज़ करके लाते हैं। तो ये वाला टी शर्ट, ये राज की चॉइस है, अपना क्या बोलते हैं इसे, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, ये देखिए। और ये कलर मेरा फेवरेट है फ्रेंड्स। और ये यहाँ पर जो कॉलर है ये मुझे ज़्यादा पसंद आया, और इसका फैब्रिक जो है इतना सॉफ्ट, इतना मस्त मुलायम वाला फैब्रिक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही अच्छा है। और इसकी आप प्राइस सुनोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये हमने कितने में परचेस किया। तो मुझे बहुत पसंद आया ये वाला टी शर्ट, ये राज की चॉइस है। और ये उसने डेली वेयर के लिया है, बट मैंने उसे बोल दिया कि नहीं बेटा, आप डेली वेयर में इतनी अच्छी टी शर्ट मत पहनना। और ये है पैंट, तो पैंट का फैब्रिक मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। तो ये जींस नहीं है फ्रेंड्स, ये थोड़ा मतलब सिल्क टाइप का कपड़ा है और ट्रीचेबल कापड़ है ये, मतलब कि ट्रीचेबल फैब्रिक है। तो बट अच्छा है, मतलब उसी शर्ट पे ये पैंट थी, ये वाली, ये देख सकते हो आप। और उसके एसी वाले एक ब्लैक पैंट है जो कि उसने कल पहनी थी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और राज के लिए ये बेल्ट लाए हैं राज के पापा ने, उसके पास ऑलरेडी मतलब 5 से 6 बेल्ट है, पर बट ये देखिए, उसका बर्थडे है तो उसके पापा ने क्या क्या लाए हैं उसके लिए, तो मैं आपको एक एक दिखाती जाऊंगी और फिर बाद में उसकी प्राइस बताने वाली हूँ। बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, ये देखिए, खुशी बीच बीच में आ जाती है। ये चॉकलेट का पैकेट है जो कि वो स्कूल में ले जाने वाला है, और घर पे बर्थडे करेंगे तो बच्चों को भी देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों का ही स्पेशल मतलब बर्थडे करते हैं तो बच्चे ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो बच्चों के लिए ये मेलोडी चॉकलेट लाए हैं उन्होंने, और मेरे लिए लाए हैं ये वाइट टोन पाउडर, इसका रिव्यू मैं आपको बाद में देने वाली हूँ। और ये क्रीम राज के पापा यूज करते हैं नाइट में, ये स्किन शाइन क्रीम है। तो ये है हमारी आज की शॉपिंग। और केक वगैरह लाने के लिए जो हो जाएंगे वो शाम में जाएंगे, तो देखते हैं अभी क्या क्या होता है। तो शाम को, सॉरी गाइज, मैंने आपको प्राइस नहीं बताई, तो इनका प्राइस है कितने, 1500 रुपए का है ये ड्रेस। तो मतलब टी शर्ट मिला के बहुत ही मतलब कम दाम में लाए हैं राज के पापा ने इतने अच्छे वाले। तो ये देखो, 1500 में ये तीनों है, मतलब कि टी शर्ट और ये पूरा का पूरा ड्रेस। तो मैंने आपको इसका लुक नहीं दिखाया फ्रेंड्स, तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। और राज के पापा को वाइट कलर ज़्यादा पसंद है, खुद अपने लिए भी वाइट कलर चूज़ करते हैं और बच्चे के लिए भी वाइट ही चूज़ करते हैं। तो मुझे भी ज़्यादा पसंद है, बट बच्चों के हिसाब से वाइट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो मतलब इतने अच्छे तरीके से नहीं रहने देते हैं। तो कल उसने वाइट कलर का शर्ट पहन के गया था, उसमें पूरा उसने जो मसाले भात आता है तो उसके पूरे यहाँ पर दाग लगा के लाया है, अपने कॉलर पे, यहाँ पर उसका जो पॉकेट था वहाँ पर। तो बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको इतना मतलब कुछ नहीं समझता है, ये वाइट है, दाग लग जाएगा, निकलेगा नहीं, ऐसा वैसा। तो इसका फैब्रिक जो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा वाला है, देख सकते हो आप, लाइनिंग है उसमें, और ये बहुत ही मतलब प्रोफेशनल लग रहा है, मुझे बहुत पसंद आया ये। तो इसके दाम के हिसाब से ये तो बहुत ही अच्छा वाला है, और हम यही से कपड़े परचेस करते हैं, ऑनलाइन वगैरह नहीं लेते हैं हम, हमारे जो शिरपुर में मिलते हैं वहीं से, हम सूरत में जाते हैं फिर भी वहाँ से ज़्यादा कपड़े नहीं लेते हैं, जो मेरी मम्मा मेरे भाई दिलाते हैं उतने ही लेते हैं सिर्फ, हम यहीं पर परचेस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम कीमत में
और अच्छे क्वालिटी में मिल जाते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अभी शाम में, तो केक लेने जाएंगे वहाँ का, अगर शूट करेंगे मुझे कंफर्टेबल होगा तो शूट करूँगी, नहीं तो कोई नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो बर्थडे के लिए मैंने यहाँ पर घर जो है क्लीन कर लिया है और सोफ़ा कवर मैंने चेंज कर दिए है, ये नए वाले सोफ़ा कवर है और बेडशीट भी आप देख सकते हो मैंने न्यू वाली डाली है। तो राज के पापा गए हैं केक लेने के लिए और मैंने जो है घर में पूरा क्लीन करके रख दिया है, देख सकते हो आप। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और राज के पापा जो है केक लेने के लिए गए हैं और ये देखिए मैंने ये वाली साड़ी पहन ली है आज, आप देख सकते हो। एक मिनट आपको दिखाती हूँ, ट्राइपॉड पे लगा के दिखाती हूँ। तो मैंने ये वाली साड़ी पहनी है और अभी बज चुके हैं 6:30, बट राज के पापा और राज जो है अभी तक नहीं आए। मैंने ये वाली नेल पेंट अप्लाई की है, ये देखिए माय फेवरेट नेल्स, मुझे बड़े बड़े हुए नेल्स जो है बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो फ़ोन आ रहा है, मैं बाद में आपको कॉल कर सॉरी कॉल नहीं, मैं बाद में आपसे बातें करूँगी। यहाँ पर राज का बर्थडे जो है शुरू हो चुका है और मैं राज की आरती उतार रही थी और ये किट्टू देखिए आप, किसी का भी बर्थडे हो वो डायरेक्ट गोदी में जाके बैठ जाती है। तो ये है मेरी बहन की लड़कियाँ और ये बड्डे जो कि हमारे पड़ोस में रहती है, ये सब हमारे पड़ोसी है। तो हमने ज़्यादा मतलब हमारा प्लान नहीं था बर्थडे वगैरह करना, तो हमने जो है केक ऑर्डर नहीं किया था तो केक नहीं मिल रहा था जल्दी से, मतलब कि बड़ा वाला नहीं मिल रहा था। तो ये जो आधा किलो का केक लाए हैं और मैंने उस हिसाब से फिर गली में भी ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया, ये राज की आंटी और अंकल है तो इस वजह से मैंने नहीं बुलाया कि नहीं भाई इतना सा केक है और फिर हम ज़्यादा लोगों को बुलाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता अगर उनको ना दे तो। तो किटू देखिए कैसी बार बार बीच बीच में आ जाती है और ये है मेरी, ये भी मेरी देवरानी है, मतलब मेरे जो चाचा ससुर जी है उनकी बहू, दो नंबर के जो चाचा ससुर है उनकी 3 नंबर वाली बहू है ये। तो ये मतलब ये आने नहीं वाले थे तो मैंने इनको स्पेशली इनवाइट किया था, स्पेशली माया को जो मेरी देवरानी है, ये मेरा देवर का बेटा है, 2 नंबर देवर के बेटा है ये हिमांशु, इसे तो आप जानते ही होंगे। और ये मेरे ससुर जी, ये देखिए मेरे ससुर जी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, मतलब राज के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार आता है उनके मन में, क्योंकि राज जो है हमारे घर में पहला बच्चा था और मेरी सास जो है गांव चली गई है आज, मुझे थोड़ी खांसी और सर्दी हो चुकी है फ्रेंड्स, थोड़ी तबीयत भी ख़राब है। तो ये देखिए Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday.
तो बर्थडे ख़त्म होने के बाद हम यहाँ पर नाश्ता करने के लिए बैठ गए थे, मतलब कि पफ लाए थे हमने, और वो जो चिवड़ा आता है रेडीमेड वाला वो, तो ये देखिए यहाँ पर नाना जी है, मेरे ससुर जी, मेरे देवर, और यहाँ पर है हम लेडीज़ सारे के सारे बैठे हैं। ये मेरी बहन की लड़कियाँ, मैं, मेरी देवरानी किट्टू, प्रिया और माया, हम सारे यहाँ पर बैठे हैं। बहुत अच्छी तरीके से हुआ बर्थडे राज का। तो उसके फ्रेंड्स आने वाले थे बट वो नहीं आए, तो थोड़ा नाराज़ था। तो ये एक ही फ्रेंड आया था, तो उसे देख के राज जो है खुश हो गया, क्योंकि उसने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया था। बट क्या होता है कि विंटर के समय में ज़्यादा, मतलब 6 बजे 7 बजे ज़्यादा ही अंधेरा हो जाता है, ज़्यादा रात हो जाती है, तो पेरेंट्स भी अलाउड नहीं करते हैं बच्चों को बाहर भेजना। इस वजह से बच्चे जो है नहीं आए थे। हर साल आते हैं, तो वो इस साल नाराज़ था, मम्मी कोई नहीं आ रहा बर्थडे में, ऐसा वैसा बोल रहा था। तो उनके फ़ोन आ चुके थे, हम नहीं आ रहे हैं ऐसा। फिर एक जो फ्रेंड है स्कूल का, वो आ चुका था। तो मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।